Redmi Note 11 डिवाइस के लिए PixieOS का एक नया अपडेट अवेलेबल हो गया है। या पर इस वीडियो के दौरान PixieOS का जो लेटेस्ट अपडेट है इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन, नया फीचर्स, बैटरी बैकअप के बारे में बात करने वाले हैं। एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। PixieOS 7.2.1 का अपडेट है एंड इस अपडेट के साथ जो है बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है। अलग से आपको जी एप्स को इंस्टॉल नहीं करना होगा। लेटेस्ट 5th अप्रैल 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा 4.19 कर्नल के साथ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PixieOS का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ऐप ड्रॉयर के साथ जो कॉलिंग एनिमेशन हो जाए, क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ एनिमेशन हो जाए, इवन सेटिंग्स मेनू के साथ जो एनिमेशन हो जाए, कॉलिंग एनिमेशन काफी स्मूथ है। कोई भी लैग को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एंड यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन काफी सही है। प्लस रैम मैनेजमेंट के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। कोई भी लैग को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है इस अपडेट के साथ। एंड्रॉयड 14 के साथ जो है स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा एंड बहुत ही जल्दी एंड्रॉयड 15 का जो स्टेबल रिलीज होने वाला है एंड उसके बारे में भी हम वीडियो रिलीज करने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पर जरूर से चेकआउट करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एनीवे, यहाँ पर इस रॉम के साथ जो थीम आइकन का जो फीचर से ऐड किया गया है, वेदर विजर्स एंड क्लॉक विजर्स का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। डार्क मोड अवेलेबल है। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है ऐड किया गया है। या पर पावर मेनू के साथ जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। रिकवरी बूटलोडर को एंड सिस्टम यूआई को आप यहाँ से रिबूट कर सकते हो। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ काम कर जाएगा। वॉल्टी एंड यहाँ पर 4G भी काम कर रहा है। कोई भी इशू को नोटिस नहीं किया है। हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को आप एक से यूज कर सकते हो। यहाँ पर डीसी डिमिंग एंड हाई ब्राइटनेस मोड को ऐड किया गया है जो कि काफी यूजफुल है। प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर से पर काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर 100 मोड का जो ऑप्शन अवेलेबल है, नाइट लाइट का ऑप्शन है। एंड सच में यहाँ पर हम इस रॉम को कुछ टाइम से यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कोई भी मेजर इशू को नोटिस नहीं किया है। मेजर लैग भी हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है एंड रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया है। एंड बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर गूगल कैमरा को भी इंस्टॉल कर सकते हो। कैमरा टेप के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। रिसेंटली हमने GCam 9.3 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो शेयर किया था। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके आप जो है FM रेडियो को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जिमनी ऐप भी काम कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर भी अवेलेबल है। एंड सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देखने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू को अगर आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर थीम का जो फीचर से ऐड किया गया है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट थीम स्टाइल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो है डार्क मोड के साथ जो है पिच ब्लैक थीम को एनेबल करने का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो हमने यहाँ पर पिच ब्लैक थीम को एनेबल किया है। कुछ इस तरह से पिच ब्लैक थीम जो है देखने को मिल जाएगा जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो काफी सही है। प्लस यहाँ पर जो सेटिंग्स यूआई है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स मेनू जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इससे अगर आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको थीमिंग में जाना होगा एंड इस ऑप्शन को एनेबल करके ओके में सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। प्लस लॉक स्क्रीन के साथ भी लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का जो फीचर से ऐड किया गया है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था। प्लस यहाँ पर रैम मैनेजमेंट भी सही है। यहाँ पर गिगबेंच 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 384, मल्टी कोर के साथ जो है 1175 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। गिगबेंच 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 416, मल्टी कोर के साथ जो है 1310 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर गिगबेंच 6.2 के साथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी सही है। प्लस बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेपरेट पास हो जाएगा। मतलब गूगल पे, फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस अपडेट के साथ। अगर बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर
ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल एंड लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है, मतलब 80% होने के बाद डिवाइस जो है चार्ज नहीं होगा। बैटरी परसेंटेज को भी आप एनेबल कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर ओवरनाइट आइडल बैटरी ड्रेन जो है लगभग हमने यहाँ पर 4% के आसपास नोटिस किया था, तो हमने यहाँ पर जो है 100% चार्ज किया था। उसके बाद सुबह हमने नोटिस किया 96% हो गया है बैटरी, तो 4% के आसपास ओवरनाइट बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा जो कि सही है। एंड यहाँ पर अगर आप लगातार डिवाइस की यूज करते हो तो आपको यहाँ पर जो है 7 आवर्स से भी ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बैटरी बैकअप के साथ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड काफ़ी सही बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, ज़्यादा हमने बैटरी ड्रेन को यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। बाकी यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, जो फेस अनलॉक है हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, बट फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पर काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पर गेस्ट्स का ऑप्शन है, नेविगेशन मोड को ऐड किया गया है, यहाँ पर 1 ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन है, लाइव ट्रांसलेट का जो फीचर से ऐड किया गया है, लोकेशन भी यहाँ पर काम कर रहा है, वॉलपेपर स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया है, लॉक स्क्रीन के साथ जो है अलग अलग जो क्लॉक स्टाइल उसे सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एनीवे यहाँ पर डायनेमिक क्लॉक का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, एज लाइटिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, लिफ्ट टू चेक फोन का ऑप्शन है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर डीसी डिमिंग का ऑप्शन है, हाई ब्राइटनेस मोड का जो फीचर से काम कर जाएगा जो कि आउटडोर में जाके काफ़ी सही से काम करता है, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन ऐप्स का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, आइकॉन पैक फॉन्ट हो जाए, नेविगेशन मोड हो जाए, डार्क मोड का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर रहा है जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, एडाप्टिव ब्राइटनेस का जो फीचर से काम कर जाएगा, यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है स्पीकर के ऊपर, जो भी डस्ट आएगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग का ऑप्शन है, प्लस स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल कर सकते हो, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है, रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन का जो फीचर से काम कर जाएगा, प्लस नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ भी एनहांस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन प्लस फ्लैश नोटिफिकेशन का जो फीचर से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो पिक्सी ओएस का जो अपडेट है रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ एंड्रॉयड 14 के साथ जो स्टेबल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करते हैं, कोई भी लैग हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, रेडमी नोट 11 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day. Bye-bye.